लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां बताते चलें जहां एक ओर महिला सशक्तिकरण को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड वुमेन पावर महिला हेल्पलाइन का गठन प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, बावजूद इसके आज भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला जनपद कन्नौज के ग्राम नयनपुरवा थाना सौरिक निवास ने पार्वती पुत्री श्याम सुंदर पढ़ने की उम्र में गरीबी के चलते अपने गरीब माता पिता का हाथ बटाने को तत्पर खेतों में अन्ना पशुओं की देखभाल के चलते खेत पर गए, तो बदनीयती और कुंठित मानसिकता के चलते गांव के ही बेचेलाल और चंदन ने बदनीयती के चलते पीड़िता का हाथ पकड़कर बाजरे के खेत में खींच लिया। पीड़िता ने जब विरोध जताया तो उसके साथ मारपीट की। किसी तरह वैसी दरिंदों से बचकर पीड़िता ने अपने घर जाकर सारी आपबीती बताई। घर वालों ने उसकी शिकायत संबंधित थाने में की, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीड़िता न्याय के लिए गुहार लगाते ही पुलिस अधीक्षक कन्नौज के पास पहुंच गए। अब देखना होगा कि उसके साथ क्या न्याय होता है। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूं जनपद कन्नौज मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, नवांगतुक पुलिस अधीक्षक के आने के बाद यहां का नज़ारा बिल्कुल बदला दिखाई देता है। जिन फरियादियों की फरियाद उनके थाने और उनकी चौकियों में नहीं सुनी जाती, उनको अपने पुलिस अधीक्षक से पूरी न्याय की उम्मीद रहती है। ऐसे ही न्याय को लेकर एक नाबालिग लड़की, जिसके साथ उसके ही गांव के तथाकथित लोगों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मैं आपको बताता चलूं, योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए एक से एक बड़े कानून बनाए गए, महिलाओं को सशक्त करने के नए नए आयाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वहीं एक ओर देश के मुखिया प्रधानमंत्री का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। ऐसे ही कथित और कुंठित मानसिकता के लोगों के द्वारा जब इन बच्चियों को घर से निकलना दूभर हो जाएगा, तो कैसे ये नारा सार्थक होगा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। और बेटी को किस प्रकार से कुंठित मानसिकता के लोग पीड़ित करते हैं, ऐसी ही पीड़िता आज यहाँ पुलिस अधीक्षक के दर पर न्याय की गुहार लगाने आई है। चलिए मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर मुद्दा मैटर क्या है। जी, आपका नाम? पार्वती। जी पार्वती, क्या मुद्दा है, आप कहाँ की रहने वाली हैं? ग्राम नयनपुरवा। थाना कौन सा आपका? सौरिक। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ चंदन और बेचेलाल ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और मारने की धमकी दी। कहाँ कहाँ ये घटना आपके साथ घटी? मेरे खेत के पास। खेत के पास आप क्या करने गई थी? खेत में मेरे बाजरा खड़ा है, साड़ मारने गए थे। जी, तो ये जो तथाकथित आपने जो नाम बताए, क्या क्या नाम बताए? चंदन बेचेलाल। इन्होंने क्या आपके साथ दुर्व्यवहार किया? जी, पकड़ क्या मेरा हाथ पकड़ा, मरोड़ने लगे और बोले कि मेरे साथ ऐसा गंदा गंदा काम करो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकर के आप अपने थाने या चौकी पर गई थी? जी, थाने में गए थे तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कब आप थाने गई? शनिवार को 24 तारीख। आप देख सकते हैं, ये है जनपद के चौकी और थानों की हकीकत। शनिवार की घटना को लेकर पीड़िता जब थाने में गई, उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो वह आज पुलिस अधीक्षक के पास न्याय के लिए आई। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी? जी दी। क्या आपको आश्वासन मिला? उन्होंने बस रिपोर्ट लिख ली। आपसे कुछ सवाल जवाब किए? जी, पूछा था तो मैंने बोला कि मेरे साथ चंदन और बेचराल ने जबरदस्ती मुझे मारने की धमकी दी। आपकी एप्लीकेशन पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कुछ निर्देश लिखा गया? जी हाँ। तो आपको उम्मीद है कि आपके साथ जो तथाकथित लोगों ने बदनीयती से
जो गलत हरकत करने की कोशिश की उनको पुलिस अधीक्षक के पास आने पर उनको सज़ा मिलेगी? उनको सज़ा मिलनी चाहिए सर। आप देख सकते हैं अगर इस प्रकार से इन लड़कियों को अबला समझकर अगर ऐसे ही गीद की दृष्टि रखने वाले और कुंठित मानसिकता के लोगों से इनको अगर निजात पुलिस और प्रशासन नहीं दिलाता है तो कैसे प्रधानमंत्री का सपना सार्थक होगा? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर इसी प्रकार से बेटियों के साथ अन्याय होता रहा तो ये जिनकी हाथ में कलम लेकर पढ़ने की उम्र है वो एप्लीकेशन पकड़कर थाने और कचहरियों के चक्कर काटती आपको बदस्तूर दिख जाएंगी। जनपद कन्नौज से अमित मिश्रा के साथ पुष्कर शर्मा की एक खास। जय शंकर बम बाबा कल्ला।